Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Prabhu, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। ये कैसा कंपन है आकाशमान? ये कैसी गड़गड़ाहट हुई? क्या कोई अन्य संकट प्रकट हो रहा है अब? ये भयंकर ध्वनि कैसी है? क्यों और कहां से उत्पन्न हो रही है ये ध्वनि? इस वृक्ष को क्या हुआ? इस प्रकार ये हिल क्यों रहा है? हाँ गणेश, इसका कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, फिर अचानक हुआ क्या है इसे? ऐसा कैसे संभव है कि एक स्वस्थ वृक्ष अचानक मध्य से दो भागों में स्वयं विभाजित होकर गिर पड़े? हाँ गणेश, मैं भी चकित हूँ। क्या रहस्य है इसके पीछे? अब तो वृक्ष का दूसरा भाग भी गिर रहा है। भैया सावधान! पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, सावधान! पीछे हट जाओ गणेश। गणेश, पुत्र कार्तिक, तुम दोनों कुशल तो हो ना? ये क्या है मेरे मार्ग में? ये कैसी अदृश्य बाधा जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या हुआ माँ? पुत्र, कोई अनिष्ट बाधा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। कैलाश के मार्ग में बाधा जो महादेव और माता पार्वती का मार्ग बाधित कर रही है? कैसे संभव है ये? इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देखता हूँ इसे। बाधा तो अवश्य है, किंतु बाधाओं को नष्ट करना आता है मुझे। ये कैसी अदृश्य बाधा है जिसे मिटाने में भैया भी असमर्थ हो रहे हैं? गणेश की शक्ति भी असफल होगी।
पक्षी भी भेद नहीं सका इस बाधा को, उसे टकराकर अपने प्राण गवा बैठा। माँ, मैं अवश्य नष्ट करूंगा इस बाधा को। पक्षी भी पार नहीं कर पा रहे हैं इसे। ये बाधा तो हमारे अनुमान से भी अधिक भयंकर प्रतीत होती है भैया। जो भी हो रहा है अनुचित, किसी महासंकट की पूर्व सूचना ही है। विश्वास नहीं होता, कैलाश को कौन बाधित कर सकता है? महादेव कैलाश पर स्थित नहीं रहे तो सृष्टि पर संकट आ सकता है। पक्षियों का समूचा झुंड आ रहा है। ये भी कहीं इस बाधा से टकरा कर इनके प्राण भी नष्ट हुए तो इस बाधा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ये क्या हो रहा है ना? ये किसका तो साहस है? ये पक्षी भी प्राणहीन होकर मेरे पुत्रों के समीप गिर गए, जो अज्ञात बाधा के उस पार है और हम इस पार। कुछ करिए नाथ, इस संकट को दूर करिए। हम कैलाश जा रहे थे, तोतला जी वहां पहुंचे, हम दोनों आगे बढ़े, फिर वो वृक्ष दो भागों में बटा, उसके दोनों भाग भिन्न दिशाओं में गिरे। तो इस बाधा के निर्माण से ही वो वृक्ष विभाजित हुआ और पक्षी भी उसी से टकरा कर गिरे। अर्थात ये बाधा अदृश्य सुरक्षा घेरा है, जिसके एक ओर हम हैं और दूसरी ओर पिताश्री, माँ और अन्य देव, अर्थात हमें कोई कैलाश पहुँचने से रोकना चाहता है, किंतु कौन है वो? दंभासुर का दंभ है, उसकी शक्ति का शंभ। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है, केवल असुरों का, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। माँ, आप पीछे हट जाइए, मैं अभी इस अदृश्य बाधा के घेरे को ध्वस्त करता हूँ। गणेश, ये वायु प्रवाह तो हम पर ही लौट कर आ रहा है। पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। गणेश की दिव्य शक्ति को विफल करने वाली कैसी शक्ति है ये? ये कैसे संभव है? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की शक्ति भी इस अदृश्य बाधा से टकरा कर वापस लौट गई। तब इसे भेदने का क्या उपाय हो सकता है? आश्चर्य, ये कैसे संभव है? क्या है ये शक्ति? अब इस समस्या का निवारण मैं ही करूंगा, मैं ही मिटाऊंगा इस बाधा को। स्वामी, महादेव आप कदापि चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, हम सभी अपने संयुक्त प्रयास से इस समस्या का कोई ना कोई निवारण ढूंढ ही लेंगे। प्रभु कृपया मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सेनापति कुमार कार्तिके, आप लोग कृपया एक और हो जाइए। ये जो भी शक्ति है, हमारी सम्मिलित शक्ति का सामना कदापि नहीं कर पाएगी। देवगण,
तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम हम अपनी संयुक्त शक्ति से इस अदृश्य बाधा को ध्वस्त करेंगे। उसके पश्चात हम उसका अंत करेंगे जिसने इस बाधा को यहां स्थापित किया है। अवश्य इंद्रदेव, इस दुस्साहस का उचित दंड देंगे उसे। एक भाग ही भेद सका इस सुरक्षा घेरे को, शेष ऊर्जा तो हमारी ही ओर आ रही है। ये तो और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देवगण सावधान! तो ये हमारी लक्ष्य रहित ऊर्जा और विनाश करेगी। पर्वतों और शिलाओं से टकराकर नष्ट कर रही है उन्हें हमारी ऊर्जा। देवताओं की ये ऊर्जा तो कैलाश के केंद्र की ओर जा रही है। यदि ये कैलाश के केंद्र से टकरा गई तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। कैलाश तो अब सुरक्षित है, किंतु ये हमसे क्या हो गया? हमारी ऊर्जा इस घेरे से बंध कर इसके अनेकों सिरों से टकरा रही। ये तो समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो गई इंद्रदेव। हाँ, इस प्रकार तो हमारी ऊर्जा कैलाश के विध्वंस का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, पर इस समस्या का मूल कारण हम देवता होंगे। कैलाश के केंद्र को इस ऊर्जा से रक्षित करना होगा, किंतु क्या उपाय है इसका? स्पष्ट है, कैलाश के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य बाधा का घेरा है। हाँ महादेव, जिसके कारण देवताओं की इस ऊर्जा का भयंकर परिणाम हो सकता है। वो ऊर्जा बार बार लौटने पर विवश है, कदाचित वो कैलाश के केंद्र पर भी लक्षित हो सकती है। फिर तो सर्वनाश हो जाएगा नारायण। यदि कैलाश क्षतिग्रस्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, परिस्थिति को समझे बिना कुछ भी करने से संकट और बढ़ जाता है। शक्ति का प्रयोग भी बुद्धि से करना ही उचित है, इसलिए इसका कारण समझकर मुझे ही कुछ करना होगा। शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है महादेव, आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो ऊर्जा आप देवताओं ने उत्पन्न की वो इस घेरे को नष्ट ना कर सकी, अपितु उसका एक भाग इस घेरे में बंध गया। यही कारण है इस संकट के उत्पन्न होने का। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई। प्रभु, इससे पूर्व की ये समस्या और भी बड़ी हो जाए, आप ही कृपया कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, इस समस्या का समाधान शीघ्र करना अति आवश्यक है। मैं यहां खड़े रहकर ये सब नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही कुछ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस घेरे को नष्ट करके ही रहूंगा। रुको कार्तिके, देवताओं की ऊर्जा पूर्व में ही
इस अदृश्य घेरे से टकराकर अनिष्टकारी हो रही है। तुम्हारे प्रहार से और नष्ट हो सकता है, कैलाश संकट में आ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रहार मत करो। किंतु ये कैसी शक्ति से उत्पन्न हुई बाधा है पिताश्री, जिसे हम में से कोई नहीं भेद पा रहा है? गणेश का प्रश्न उचित है महादेव। इस अपराजय शक्ति के पीछे जो रहस्य है उसे शीघ्र ज्ञात करना होगा। हाँ महादेव, अब और विलंब उचित नहीं है। अधिपति मैं हूँ, केवल मैं, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा अधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। दंबासुर, दंबासुर ही है इस सब के पीछे। दंबासुर का दम इस अनिष्ट का कारण है। दम से उत्पन्न दंबासुर ने कैलाश पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। दंबासुर, ये दंबासुर कौन है? दंबासुर एक असुर, वो इतना दुस्साहसी कैसे हो गया कि उसने कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया, और हम सभी की शक्ति को उसने परास्त कैसे कर दिया? दंबासुर ने कैलाश की शक्ति से ही कैलाश को बाधित किया है। किंतु पिताश्री, ये दंबासुर है कौन? ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर, ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है ये दुस्साहसी असुर? हाँ पुत्र, ये उस समय की घटना है जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता होने का दंभ हो गया था। वो स्वयं को श्रेष्ठतम देवता मान बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम पिता श्री ब्रह्मदेव। वैकुंठ में गया था श्री हरि नारायण के करने दर्शन, तो मन में विचार हुआ एक उत्पन्न, क्यों ना आपका भी कर लूं अभिवादन। बस चला आया। नारायण नारायण। नारायण के दर्शन, उससे क्या लाभ होगा तुम्हें? सर्वप्रथम तुम्हें मेरे दर्शन करने चाहिए थे देवर्षि नारद। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु आप, महादेव, श्रीहरि नारायण, आप तीनों हैं त्रिदेव। तीनों में मैं करता नहीं कभी भेद। आप तीनों मेरे लिए है समान, इसीलिए संपूर्ण भक्ति भाव से करता हूं तीनों का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली महाज्ञानी हूं मैं, त्रिदेवों का भाग नहीं उनसे उच्च हूं मैं, ब्रह्मदेव हूं मैं, ब्रह्मदेव। पिताश्री, ये कैसे भाव हैं आपके?
क्या कह रहे हैं आप? सृष्टि का रचयिता हूं मैं, स्वयंभू हूं मैं, वेदों का कारक हूं मैं, तुम और संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हूं मैं, सर्वोच्च भगवान हूं मैं, इसलिए फिर कभी मुझे त्रिदेवों का भाग बुलाने की भूल कदापि ना करना। यह आपका नहीं, आपके दम का स्वर है ब्रह्मदेव। महादेव यहां? कहां है महादेव? दम्ब मुझे नहीं, आपको है महादेव। स्वयं को सर्वोच्च जो मानते हैं आप, इसीलिए मेरे सत्य वचन आपको नहीं भाए और आप यहां चले आए। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, सर्वोत्तम हूं मैं, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही महाज्ञानी हूं। महादेव और नारायण से अनेकों गुणा उत्तम हूं। आपके वचन यदि सत्य हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ज्ञात होंगे। निसंदेह ब्रह्मांड का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका रहस्य मुझे ज्ञात ना हो। तब तो आप इस खम का आरंभ और अंत भी अवश्य ढूंढ सकेंगे। इसमें कौन सी कठिनाई है, ये तो मैं अभी ज्ञात कर लेता हूं। दिखाई क्यों नहीं देता? इसका तो जैसे कोई और छोरी नहीं है। ऊपर ले चलो मुझे। ब्रह्मांड की ऊंचाई में भी इसका आरंभ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य है, ये खंभ तो अनंत है, किंतु महादेव को उत्तर तो देना ही होगा मुझे, अन्यथा मेरा अपमान होगा। वैसे भी जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं ज्ञात, वो उन्हें भी ज्ञात नहीं हो सकता। इस खंभ का आरंभ और अंत दोनों ढूंढ लिया है मैंने। पुनः विचार कर लीजिए, आप सत्य कह रहे हैं ना ब्रह्मदेव? मेरे शब्दों पर अविश्वास करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप महादेव। मैंने जो कह दिया वो सत्य ही होता है। प्रणाम प्रभु। ये क्या, इस खंभ में आप ही स्थित थे? तो क्या मुझे अपमानित करने के लिए यह छल किया था आपने? मेरी परीक्षा लेने आए थे, किंतु आप मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन हैं? ब्रह्मदेव हूं मैं, सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म हूं मैं। आप अपना परिचय दीजिए। महादेव से ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मदेव? पिकुपति हो गए तो? काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं। अंत करता हूं मैं, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता, अहंकार का मिट जाना ही सर्वथा उचित है। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा।
मैं आपका पंचम शीश आपके शरीर से विलग कर दूंगा। दम्भ युक्त शीश की आवश्यकता नहीं आपको, यह दम्भ स्वयं का शत्रु होता है। यह है आपका दंड परम परमेश्वर से पर्दा करने का। ब्रह्मदेव के दम रूपी उनके उसी शीश के भस्म से कालांतर में दंबासुर नामक असुर का जन्म हुआ। फिर तो दंबासुर बहुत ही शक्तिशाली असुर होगा। हाँ, और वो अकेला नहीं, उसके दो शक्तिशाली पुत्र भी हैं। सुंदर प्रिय के बाहुबल के समक्ष कोई भी पर्वत नहीं टिक सकता। अत्यंत बलशाली योद्धा है विशालकाय सुंदर प्रिय। उसकी अपार शक्ति की अनेकों गाथाएं हैं। अरे ये क्या, ये दोनों पर्वत तो जुड़कर मेरी ही ओर आ रहे हैं। नहीं नहीं, निष्फल हो गया। तो ये तुम्हारी माया है विषप्रिय। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो अपनी माया, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भ्राताश्री, अभी आपने देखा ही क्या है भ्राताश्री, मेरी माया का प्रदर्शन अभी शेष है। ये आपका सौभाग्य भ्राताश्री, ये मायावी विषय प्रिय आपका भाई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। अति उत्तम पुत्रो, तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। अवश्य पिताश्री, अवश्य। एक ओर कैलाश पर असुरों का आधिपत्य, तो दूसरी ओर देवताओं द्वारा छोड़ी ऊर्जा शक्ति जो कभी भी कैलाश से टकराकर उसे नष्ट कर सकती है। हमें यथाशीघ्र
कैलाश को इन दोनों संकटों से मुक्त करना होगा। दंभ अर्थात अहंकार व्यक्ति से भूली नहीं करवाते, अभी तो उनके विनाश का कारण भी बनते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.